हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चल रहा है, हमें एक दावत मिली है तो मिलाद है उसके लिए, फिर मैं आज रेडी हुई हूँ। मैं बिस्तर पे पड़ी पड़ी आज थोड़ा मैं तैयार हुई हूँ, थोड़ा बाल बाल खोले। तो मेरे घर में मुझे कोई प्राइवेसी नहीं मिल रही जहाँ पे मैं बात कर सकूँ आपको, तो मैं शर्म आती किसी के सामने ब्लॉग करते हुए। हाँ, मैं ये बता रही थी कि मतलब आज दावत मिली, मैं मिलाद की कोई फैमिली गई हुई थी उम्रे पे, तो वो आए। मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, मतलब मैं बिस्तर पे पड़ी हुई थी, पर मेरी बहन आ रही है तो वो बोलती नहीं फरवा, तुम भी चलो, वो भी वहाँ से आ रही है। वेकेशंस भी खत्म होने वाली है, मतलब 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, पता ही नहीं लगा 2 महीने हो गए। और अभी से 2 जनवरी से मेरी क्लासेस स्टार्ट है, तो मैं वापस कराची। थोड़ा मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स हैं कि चलो रूटीन थोड़ी चेंज हो जाएगी, तो ये कि पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी दोबारा, वो ये हेक्टिक रूटीन ये वो। तो अब ना मुझे अपने बिस्तर से, पहले मेरे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी बिस्तर में पड़े पड़े पड़े, अब ना मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बंदा आदी हो जाता है किसी चीज़ का। मुझे ना सुबह उठ के अपना ब्लैंकेट अपना ये मुझे बहुत सुकून देता है कि ना, वही बात है, जब सेट होने की बारी आई तो अब जाने का टाइम आ गया है। मम्मा रेडी हो चुकी हैं जाने के लिए, मम्मा की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है फाइनली 2 महीने की। करो खुदा का कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। आई हैव अनदर गुड न्यूज दैट मेरे छोटे भाई का एडमिशन हो चुका है, जिसकी मैं अभी क्लिप यहाँ पे रात की वो ऐड करूंगी। मतलब ये देखोगे इसके बाद, इस क्लिप के बाद आप वही क्लिप देखोगे रात वाला जब मम्मा लोग रात में गए थे। थकान के 12-13 घंटे बाद फाइनली, मुबारक कंग्रेचुलेशंस फाइनली, इतना भारी पैर मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। देख लो, 1 बजे हम घर आ रहे हैं। बस बेटा औलाद, यही औलाद है, एक प्राउड है मेरे लिए कि आज मैंने जो है ना एक बड़ा अचीवमेंट देखा ना, वो गोल किया। क्या मतलब? मैंने तीसरे बच्चे को भी मैंने मंजिल पर पहुंचा दिया फाइनली। सुबह 12:30 के निकले हुए और 12-13 घंटे बैठे 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 इंटरव्यूज हो रहे हैं उनके और सब चीजें, तो फिर ये कि एडमिशन उसका हो गया। और अब आज संडे, कल वो उसका फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी का, तो वो कल जाएगा यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट डे उसका। लोग भी हमारे साथ ही जा रहे हैं, तो उनको देख कर होंगे लोग तैयार हुए कि नहीं। बुआ इज रेडी। तैयार है यहाँ, हाँ यही तैयार अच्छी लगनी है, बगैर तैयार से हमेरा का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं क्या? चले मामा आ गया, आ गया। आपको फुल सूट तो दिखाया ही नहीं अपना, जिसका इंतजार था वो मैडम आ चुकी हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, चलो 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 जाओ। कैसा लग रहा है? तो मतलब मुंबा दुबई दे ही ना, मुझे लगा उल्टा जा रही हूँ। आई है कर सकती हूँ, जिसकी आई डोंट हैव डर अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई मोबाइल मेरा छिन जाएगा या कुछ हो जाएगा। टच हो, चलो पहुंच गए फाइनली, पहुंच गए। डर तो क्या, हमारा 5 मिनट के रास्ते पर है। पूरे 2 घंटे बाद मिलाद खत्म हुई है, तब मेरी पीठ कमर
ये जज मेरी तो गिरफ्तारी वाली फील आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक भजन। बैक होम बेबी शो मी यू कैन, खुद भी पक गए होंगे ये लोग सुन सुन के मेरे मुंह से, बेबी शो मी यू कैन काम डाउन। मामा मुझे कह रही थी कोई पहचान तो नहीं रहा था, मुझे सब पहचान रहे थे। कुछ भी नहीं कर सकते वो, सब हमें घूर घूर के हमें ही देख रहे होते हैं। मैं जो हरकतें कर रही थी सब मुझे देख रहे, नहीं कर सकता बंदा। बेबी शो तैयारी हो रही है साहब की, उनका कल पहला दिन है, ओरिएंटेशन है, कल जाएंगे, कल लगिंग होगी कल तुम्हारी शादी। देखिए लगता तो कहीं से भी नहीं है यूनिवर्सिटी बॉय, वही लगता है स्कूल बॉय। अभी तक लगा नहीं कब बड़ा होगा ये। और आमिर पता 17 साल की उम्र में गया। कहाँ से आए हो माँ? ये सामने का ना। चलो कुछ बहुत मजे की चाय बनाई मैंने। गाँव के लोग ज्यादा अच्छी चाय बनाते हैं बेटा। मेरी शक्ल तो दिखाओ, मैंने बनाई थी उसे, वो हो तो सही। मैंने पूरा दूध डाला तुम्हारी वजह से। नहीं है थी, मेरे वजह से। क्योंकि हम रहते हो, क्योंकि तुम लोग दूध की आदी हो ना। दूध की आदी हो हम तो नहीं है। हाँ। 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 वडेरे लोग हैं आप, वडेरे लोग हैं। किलो आया हुआ नहीं है, पानी बिल्कुल पानी भरो। चलो हो गई चाय तो रेडी। यार मैं अभी अपने घर आई हूँ, मैं बुआ के घर चली गई थी, वहाँ हम लोग बातें बातें कर रहे थे, मेरा मैं बुआ लोग हम सब, तो उसमें लग गई। तो अभी 11 बजे मैं वापस अपने घर आई हूँ, मेरी आंखें जल रही हैं नींद से। वाज माय डे, इवन मेरा इंटेंशन नहीं था व्लॉग करने का, बट मैंने कर दिया। मेरा बहुत अजीब सा फेस चल रहा है, मतलब मुझसे ना व्लॉगिंग नहीं हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर भी मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का कॉन्टेंट, या फिर मतलब व्लॉग करने का। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों से ज़बरदस्ती मैं कोई चीज़ कर रही हूँ। और मैंने ब्रेक भी बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, ऐसी बात नहीं है। अभी आई थिंक कराची जाके ही मेरी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी, मतलब थोड़ा रिदम में आ जाऊँगी, पहले की तरह थोड़ी बिजी लाइफ हो जाएगी। यूनिवर्सिटी से घर, हॉस्टल वगैरह देखना, खुद करना, थोड़ा मैं मतलब कुछ एक्टिविटी होगी मेरी लाइफ में, अभी तो जीरो एक्टिविटी है। दैट वाज इट, आई होप यू एंजॉयड माय व्लॉग एंड लाइक्ड इट। इफ यू डू नॉट प्लीज जस्ट नो दैट के अगर आपको मेरा आजकल के ब्लॉग्स पसंद नहीं भी आ रहे हैं, जो कि नहीं आएंगे, इट्स ओके। बट मैंने जो इससे पहले जो इतने भी ब्लॉग्स बनाए उसमें मैंने अपना जी जान लगा दिया है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पहले वाले ब्लॉग्स देख सकते हैं, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। तो डू वॉच माई ब्लॉग्स, मेरे 100+ ब्लॉग्स तो मेरे हो ही चुके हैं पूरे एक साल में। मुझे अभी भी याद है 30 दिसंबर को मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड किया था, तो मतलब 11 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। 11 महीने से भी पहले मतलब 10 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। दिसंबर में अभी मुझे पूरा एक साल होने वाला है व्लॉगिंग करते हुए, और इट वाज अ हेक्टिक जर्नी, मतलब जो मैंने किया है व्लॉग एडिट करना, अपलोड करना। तो मैंने पिछले व्लॉग्स में मेरी बहुत मेहनत की है, तो जाके मेरा व्लॉग देखें अगर, और ये वाले व्लॉग तो है ही। आई होप यू एंजॉयड इट, और घरेलू लाइफ मेरी, तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जल्द अब कराची के व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कराची मतलब कि रवानगी है मेरी। बीच में कोई इवेंट भी है एक हमारे घर पे, वो है बहुत ही दूर थर साइड, तो अगर मेरा वहाँ जाना हुआ तो मैं जाऊँ, तो आई श्योरली ब्लॉग देयर, मतलब फिर मैं वहाँ ब्लॉग करूँगी अपना, और नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट आपसे कराची में जाके मिलूंगी, क्योंकि कराची में बस मेरी अब कुछ ही दिन है मेरी आज़ादी के, उसके बाद फिर दोबारा यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी मेरी, बहुत ही बुरी जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। डू सब्सक्राइब, क्योंकि अब मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, व्यूज तो चलो आने ही हैं जो भी है, बट आप सब्सक्राइब प्लीज करते रहें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, देखें मेरे ब्लॉग मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो होगा नेक्स्ट के मैं अपने सब्सक्राइबर्स से वर्क करूँ कि वो मतलब बढ़ जाए। और आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो इंस्टा पे तो मैंने अपना मेंशन किया हुआ है मेरी आईडी जो भी है, क्योंकि आप लोग पूछते हो मतलब मेरी यूनिवर्सिटी का, मुझे तो सारे मैसेजेस आए हैं कि कोई कमेंट करता है बात, और इंस्टा पे भी काफी लोग आप मैसेज करते हो, कोई भी कुछ पूछना हो
पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी लाइफ स्टाइल कुछ भी किसी भी बारे में तो यू कैन ऑलवेज डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम। काफी लोग आप लोग मुझसे पूछ भी रहते हैं जियाउद्दीन के टेस्ट के बारे में। मैंने कितने लोगों को तो मैंने बताया है कि टेस्ट है, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार काफी जो है मेरे सब्सक्राइबर जो व्यूअर्स है मेरे या जो इंस्टा फॉलोअर्स है मेरे वो आएंगे मेरे यूनिवर्सिटी में कैंपस में। मोस्टली तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ही होंगे क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे, पूछा था जियाउद्दीन के बारे में और आई थिंक काफी उनमें से सिलेक्ट भी हो गए। तो ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू हेल। बहुत सारा ख्याल रखिएगा और डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। माँ जस्ट मेड खीर, वाओ जबरदस्त।